उर्दू ज़बान मुझे बड़ी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू की अदायगी में मुझे कोई मसला है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं अपनी अंग्रेज़ी दानी छाड़ना चाहता हूँ। देखो, आपने पूरी बात जो की है, अपने सवाल में अपना जवाब भी मेरे ख्याल में दे चुकी हैं आप। मेरे लिए कहने को बहुत कम छोड़ा है आपने, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँगा उस पर। ये जो पूरे का पूरा निज़ाम अदल है, इस पर बड़े संगीन सवालात हैं, और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम, और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब ख़ुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। जब तक मैं हूँ आज, तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है। जब कल आप इस जगह पे होंगी, तो वो मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा होगा। एक तो इस रवैये से तब्दील की ज़रूरत है, और सेटल्ड होना होगा उसूलों पर, प्रिंसिपल्स पर, कि चाहे उसका इतलाक़ मुझ पे हो या आप पे हो, फिर वो यकसां हो। हमारा बुनियादी मसला यही है कि अगर रियासत के चंद इदारे, उनसे मैं मुस्तफीद हो रहा हूँ, तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना, जब मुस्तफीद नहीं हो रहा होता हूँ, तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ।